नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सोनी फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर से आज एक आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। ये न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पीजीटी केवीएस का जो एग्ज़ाम दिया है या नवोदय का एग्ज़ाम दिया है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिनके पास में क्वालिफिकेशन के अंदर मास्टर्स है फिजिक्स से और उसके साथ में उन्होंने बीएड कर रखा है। ये वैकेंसी रहेगी जो अभी आज के अखबार में भी देखा है और पिछले काफ़ी दिनों से इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है कि ईएमआरएस, एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनके लिए वैकेंसी यही है। टोटल 38,000 पोस्ट उन्होंने अभी बताया है, रिक्वायरमेंट है उनके वहाँ पे, जिसके अंदर से अपने फिजिक्स की पोस्ट आएगी जो हर स्कूल के अंदर एक, 740 स्कूल्स है जिनमें से हर स्कूल के अंदर एक पोस्ट रहेगी, मतलब 740 पोस्ट आने वाली है। उन 740 पोस्ट में से जो आपके पीजीटी फिजिक्स की 740 पोस्ट आएगी, जिनमें से प्रमोशन जो होगा, जो टीजीटी वहाँ पे साइंस में या मैथ्स में लगा रखे हैं, उनमें से 25% कैंडिडेट हैं वो प्रमोशन से लेंगे, बाकी 75% हैं जो एक्चुअल फ्रेशर लेंगे, वो जो रिक्वायरमेंट के थ्रू प्रोसेस होगा उनका, उसके थ्रू 555 कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने वाले हैं। 740 में से 550, मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी हो गई ये पीजीटी फिजिक्स के लिए। जिस तरह अभी केवीएस की वैकेंसी के अंदर भी देखा था कि उसकी कट ऑफ 120 गई थी, तो उसी तरीके से उनका भी कुछ वैसा ही शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो जो एक्चुअल प्रोसेस के अंदर 555, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है पीजीटी फिजिक्स के लिए जो आपको देना है। इसके अंदर जो पोस्ट का नाम है, जो अपने नाम रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी फिजिक्स के लिए है, अपना मेन फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स की चीज रहेगी। रिक्वायरमेंट के रूल्स जो उन्होंने गाइडलाइन निकाली है, उसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि पोस्ट का नाम है पीजीटी, जिसके अंदर हर ईएमआरएस स्कूल के अंदर 11 पोस्ट रहेगी। टोटल 8,140 पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट अपना है मेन, वो यहाँ पे है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के साथ में इन्होंने दे रखा है कि हर स्कूल के अंदर, हर ईएमआरएस के अंदर 11 पोस्ट रहने वाली है, ग्रुप बी रहने वाला है, जिसका पे ग्रेड है लेवल 8 के साथ में 47,600 से स्टार्ट होगा, जो 151 तक जाएगा। ठीक है, एज की बात करें तो इसके अंदर एज दे रखा है इन्होंने 40 ईयर्स, 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जो रिलैक्सेशन है एससी एसटी ओबीसी का, कि ओबीसी वालों को 3 साल में, एससी एसटी वालों को 5 साल का रहता है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है तो उसी अकॉर्डिंग रहेगा। और जो पहले से ईएमआरएस के अंदर है वहां पे टीजीटी के अंदर या जैसे भी है, तो उनका एज क्राइटेरिया रहेगा वो 55 ईयर्स का रहने वाला है। इसके आगे अपन देख लेते हैं कि भाई अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है, एसेंशियल क्या है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए कि आप अगर फिजिक्स से हैं तो आपका फिजिक्स से मास्टर्स होना चाहिए और अदर सब्जेक्ट के साथ में इन्होंने दे रखा है। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट में इन्होंने दे रखा है कि बीए डिग्री है, कैंडिडेट पोसेसिंग मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंशन, ये तो रहना ही चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेट, आपके पास में बीएड रहना चाहिए या फिर आपने 4 साल का बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड किया है तो वो कंप्लीट आपका होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न के अंदर इन्होंने कहा कि इनके पास में 160 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अपने सब्जेक्ट रिलेटेड 50% रहेगा। ये बढ़ भी सकता है, 100 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जैसा केवीएस में रहा था। बाकी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन हो गए, और टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी साइकोलॉजी जिसको आप बोल रहे हैं उसके 20 क्वेश्चन हो गए। कुल मिला के 160, या फिर जो केवीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग इनका 180 भी हो सकता है, जैसा रहेगा वो वापस से अपडेट कर देंगे, बट अपना सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा वो मेन चीज ये रहेगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, और इसका सिलेबस जो रहेगा, आपका सिलेबस रहेगा वो इन्होंने दे रखा है ग्रेजुएशन का सिलेबस है 12th लेवल तक का, जो आपका सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस जो 2023 का सिलेबस है वो रहेगा, और जिसका डिफिकल्टी लेवल रहेगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब आपको 11th 12th की फिजिक्स कंप्लीट पढ़नी है, जिसका लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा। मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टिपिकल मान सकते हो आप, बट एकदम कंसेप्चुअल सारी चीज चलने वाली है, और जो सिलेबस है वो आपको 11th 12th का फिजिक्स देखना है। इसके बाद में देखते हैं इंटरव्यू। जैसा आपने ईएमआरएस का पीजीटी कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है या जैसे भी है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा जिसके अंदर आपको जो आपका ईएमआरएस का फिजिक्स का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स का पूछ लेंगे, या फिर वर्क ऑन देयर पर्सनल
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो भी रहेगा उनका इंटरव्यू का जो शेड्यूल रहेगा, जैसे जिस तरीके से रहेगा वो रहेगा, बट अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन इस कट ऑफ को इतना अच्छे से क्लियर करें कि इंटरव्यू के अंदर अपने को ज़्यादा दिक्कत ना आए। अच्छे से तैयारी करनी है अपने को, तो जो अपना रहेगा इसके अंदर तैयारी के लिए वो बैच अपना कल मॉर्निंग से, मतलब मंडे मॉर्निंग, कल डेट 12 जून को सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अपना बैच रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये मत सोचिए कि भाई वैकेंसी आएगी उसके बाद में तैयारी करेंगे, भीड़ से थोड़ा हटके वैकेंसी आनी ही है, इन्होंने अनाउंसमेंट डाला है मतलब वैकेंसी आएगी, तो भीड़ का हिस्सा बन के कि भाई वैकेंसी आएगी, डेट आएगी, उसके बाद में तैयारी करेंगे, अभी स्टार्टिंग से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो अपना बैच मंडे कल मॉर्निंग 12 बजे से, मॉर्निंग 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक रहेगा ये बैच। और अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8385049481, या आप पर्सनली विजिट करना चाहें तो आप आ सकते हैं। फिजिक्स इंस्टीट्यूट है अपना, फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर, गोपालपुरा मोड़ पे, ये सेकंड फ्लोर पे है अपना केशव टावर में, और मानव आश्रम गोपालपुरा मोड़ जयपुर। तो अगर आप पर्सनली विजिट करना चाहें तो आप आ सकते हैं, या आपको और कोई क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अपना कि बैच से रिलेटेड, नया बैच कब शुरू होगा, जैसे जो भी रहेगा आपका, तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी रहेगी आपकी, एकदम नई आ रही है, 555 पोस्ट रहने वाली है, सबसे बड़ी वैकेंसी बोल सकते हैं ये आज के टाइम की, ठीक है। थैंक यू।